Hello, hello, hello. Welcome back to my channel, friends. Today, I came up with a new video that is an home decor haul from Amazon. इसके पहले मैंने एक और वीडियो शूट किया है that is related to the home utility haul and जो मैं ऑलरेडी पोस्ट भी कर चुकी हूँ अपने चैनल पे. अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज गो एंड चेक इट आउट इन द आई डिस्क्रिप्शन और इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंशन इन द बिलो. एंड इस वाले हॉल में जो मैं आपको चीज़ दिखाने जा रही हूँ वो बेसिकली आपके हैं कुशन कवर्स, जूट मैट्स और जूट बैग्स एंड अदर रिलेटेड स्टफ. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो फर्स्ट एंड फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी लेने के लिए. तो मैंने दो लिए हैं ऐसे. मैं आपको साइज दिखा देती हूँ इसका. दिस इज़ अ जूट बैग. बेसिकली आप इसमें प्लांटर रख सकते हो कोई भी जो आपके लिविंग एरिया में या बेडरूम में आप इसको रख सकते हो एंड इट विल लुक गुड एंड इट विल ब्यूटिफाई दी स्पेस टोटली. एंड कई बार होता है कि आपके प्लास्टिक प्लांटर्स होते हैं या फिर सेरेमिक वाले आप नहीं रखना चाहते हो, प्लास्टिक प्लांटर्स रखना चाहते हो तो वो अच्छे नहीं लगते हैं. तो आप इस पर रख सकते हो एंड इट विल लुक गुड. एंड द साइज ऑफ दिस इज 8x10. इसके अलावा मैंने एक और प्लांटर लिया है, जूट बैग लिया है बेसिकली फॉर द प्लांटर इटसेल्फ. मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिंक डाल दूंगी जो मैंने शूट किया है क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक प्लांटर लगा हुआ है एंड वो 12x12 इंच का है. वो मैं आपको डिटेल्स डाल दूंगी नीचे. एंड ये जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी थिक है. ये जो मटेरियल है नीचे दिस इज जूट एंड दिस इज वाइट थ्रेड. ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और रीजनेबल पड़ा मुझे एज इन कंपेरिजन. मैं काफ़ी दिनों से इसको देख रही थी बट मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा था तो मेरे को जब लगा कि हाँ ये रीजनेबल है तब मैंने इसको ले लिया. सो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट आई गॉट इट. अनदर प्रोडक्ट इज दिस. दिस इज अ सेट ऑफ 6 एंड लेट मी शो यू. सो दिस इज द टेबल मैट, डाइनिंग टेबल मैट. दिस इज इन द स्ट्राइप्ड ब्लू एंड वाइट कलर एंड इट कम्स इन 6 सेट. दीज आर दी 6 सेट्स एंड बेसिकली ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा. ये रिब्ड कॉटन मटेरियल है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स. एंड ये काफ़ी मोटा तो नहीं बोलूँगी लेकिन हाँ इतना पतला भी नहीं है कि आपके किसी भी हीट को ना झेल पाए. जो अगर आप डाइनिंग टेबल में कुछ भी रखते हो इस पर तो आराम से ये हीट झेल जाएगा. एंड द प्लस पॉइंट ऑफ दिस टेबल मैट इज दिस इज़ वॉशेबल. आप इसमें कुछ भी आपका दाग लगता है कुछ भी होता है तो आप इसको वॉश कर सकते हो. तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे एंड सो मैंने इसको ले लिया. अनदर थिंग इज द अनदर टेबल मैट. दिस इज़ पी वी सी मटीरियल का कलर जो अमेजोन में दिया हुआ था वो थोड़ा सा डिफरेंट है जो मुझे मिला बट मैंने इसको रख लिया फॉर द डेली पर्पज़ के लिए. सही है, थोड़ा सा कलरफुल है तो मेरे को अच्छा लगा. एंड दिस इज़ अगेन अ पी वी सी मटीरियल. आप इसको धो भी सकते हो या वाइप ऑफ भी कर सकते हो बट ये थोड़ा सा थिन मटीरियल है. आपका जो भी आप गर्म रखते हो तो वो ट्रांसफ़र हीट होती है आपकी टेबल पे तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसमें नॉर्मल प्लेट रखो, इसमें ज़्यादा गर्म चीज़ें मत रखो. तो ये भी 6 के सेट पे आया था. अगर आप इसके कलर देखोगे तो दिस इज़ ग्रीन ग्रे, ब्लू ग्रे ग्रीन एंड देन द अपोजिट कलर ग्रे एंड ब्लू. सो ये इसका कलर है. अनदर थिंग विच आई गॉट इज दिस. दिस इज़ द बोल्स्टर कवर जो बेसिकली हम बोलते हैं मसंद के लिए. मसंद कवर है, मैंने बहुत ही प्लेन और ग्रे कलर में लिया है. इसका सबसे बड़ा अच्छी चीज़ जो ये है कि इसमें ऑलरेडी स्ट्रिंग लग के आई है एंड इट इज़ लुकिंग गुड. एंड ये काफ़ी कॉटन मटेरियल है, काफ़ी अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा एंड सिंपल एंड सोवर टाइप है. ये मेरा थर्ड थिंग थी. एंड द बेस्ट थिंग विच आई लाइक्ड अबाउट ऑल दिस थिंग इज दिस 2 पिलो कवर. दिस इज हाउ इट लुक्स. दिस इज दी 1 एंड दी अनदर 1 इज दिस. मुझे बहुत 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 प्यारे लगे. दी मटीरियल, दी कलर, दी डिज़ाइन, एवरीथिंग इज लुकिंग सो प्रिटी. मेरे को काफ़ी अच्छा लगा. एंड इसका जो साइज़ है वो 16x16 का है. ये मेरे को अच्छे लगे इसलिए मैंने ले लिया. एंड अगर आप इसमें देखोगे इसमें जो प्रिंट है वो ये यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज हार्ट शेप में है, यहाँ पे आउल है और यहाँ पे लीव्स बनी हुई हैं. तो ये काफ़ी पेस्टल्स और प्यारा सा कलर है तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे. सो दिस इज दी अनदर थिंग विच आई गॉट. अनदर थिंग विच आई गॉट इज दिस.
दीज आर अगेन सेट ऑफ फाइव कुशन कवर्स, ये मैंने अपने सोफा सेट के लिए मंगवाया है। मेरा सोफा सेट जो है वो डार्क ब्लू कलर का है, तो उसके लिए मुझे पेस्टल कलर्स चाहिए थे। सारे पीसेस अलग हैं, सारे डिजाइंस अलग हैं, बट ये पेस्टल कलर में है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड द साइज ऑफ दीज कुशन कवर आर 18x18 इंच। एक ये है जिसमें रोजेस बने हुए हैं, काफ़ी पेस्टल कलर है। एंड द अनदर वन इज ऑफ इन द सेम काइंड ऑफ शेड, तो इसमें ये एरोज बने हुए हैं। अनदर वन इज दिस पिंक कलर, लीव्स प्रिंट है इसमें। अगर मैं आपके पीछे के मटेरियल की भी बात करूँ, सो दिस इज अगेन अ कॉटन मटीरियल एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, कुछ थिन मटीरियल नहीं है, अच्छा मटीरियल है एंड चेन क्वालिटी इज एक्चुअली वेरी गुड। तो ये तीसरा है। फोर्थ मैं आपको दिखाती हूँ, फोर्थ ये है। दिस हैज दिस ड्रीम कैचर स्टफ गोइंग ऑन। दिस इज द फिफ्थ कलर, फोर्थ कलर। एंड द फिफ्थ वन इज वाइट एंड विद सम कलरफुल लीव्स एंड फ्लावर्स इन इट। सो ये पांच लिए, मेरे को काफ़ी अच्छे लगे, काफ़ी पेस्टल से प्यारे से सूदिंग सा कलर है इसका। तो डार्क कलर के साथ अगर आप कोई भी लाइट या पेस्टल कलर डालते हो तो काफ़ी निखर के आता है उसका। तो दैट्स व्हाई आई टुक दीज। अनदर थिंग विच आई गॉट इज दिस डाइनिंग टेबल रनर। आपको प्रॉपरली दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको इसे दिखा देती हूँ। दिस इज ऑफ सिक्स सीटर एंड 175 सेंटीमीटर का है आई बिलीव ये। और अगर आप देखोगे यहाँ पे ये डिटेलिंग दी हुई है ब्लू कलर की। अगर आपने देखा होगा मैंने पहले एक ब्लू कलर का डाइनिंग प्लेसमेंट भी लिए हुए हैं, तो इसी वजह से लिए हुए हैं ताकि ये इसके साथ कंट्रास्ट करेगा वाइट एंड ब्लू में। सो इसमें जो फ्लावर्स बने हुए हैं दोज आर ब्लू ऑरेंज एंड ग्रे एंड देन ब्लू। सो ये काफ़ी प्यारा सा लगा मुझे एंड इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है। दिस इज थिक मटेरियल ऑफ कॉटन और जूट आई बिलीव, आई एम नॉट श्योर। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, मैं आपको इसको फोल्ड करके दिखाती हूँ, तो इट विल यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। सो दिस इज दी मटेरियल, सो दिस इज दी कलर टेक्सचर एंड एवरीथिंग। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मुझे काफ़ी टाइम लगा था तो वी फ्रैंक अपना डाइनिंग टेबल का ये डाइनिंग टेबल रनर लेने में। बट एक्चुअली मैंने एक और ऑर्डर किया था बट उसको फाइनली मैंने कैंसिल किया, वो शिप नहीं हुआ था उसी दिन मैंने कैंसिल किया। एंड देन आई लाइक दिस वन, तो मैंने ये वाला ले लिया। अनदर थिंग इज दिस प्लेस टेबल मैट, ये मैंने लिए है। दिस कम इन सेट ऑफ फोर, इसकी ये दो डिज़ाइंस हैं, ये दो सेट पे आता है, दो डिज़ाइन इसकी आती हैं, दो डिज़ाइन इसकी आती हैं। तो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। दिस कम्स इन अ राउंड शेप एंड इसमें काइंड ऑफ अ मंडाला और कुछ तो डिज़ाइन जा रही है। एंड दिस इज़ अ जूट मटेरियल एंड पीछे जो मटेरियल इसका है दिस इज़ रबर मटेरियल, जो आपका स्लिप नहीं होगा, आप कहीं पे भी रखते हो, कुछ भी रखते हो तो इट वोंट स्लिप। तो ये सबसे बेस्ट थिंग थी इसमें। एंड दिस इज़ दी अनदर डिज़ाइन, ये मंडाला काइंड ऑफ डिज़ाइन है। सो जैसे मैंने आपको बताया इसके दो आए थे और इसके दो सेट आए थे, तो अभी मैं आपको तीन दिखा रही हूँ। फोर्थ वाला मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ तो इसलिए मैं नहीं शो कर रही हूँ, बट आई पुट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसमें चेक कर सकते हो सारी चीज़ें। अनदर थिंग विच आई गॉट इज दिस, दिस इज़ अ मून लैम्प। आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होता है डेकोर पर्पस में, ये मून लैम्प है। एंड अगर आप इसको देखो ये ऐसे है एंड इट इज़ ऑफ 15 सेंटीमीटर, मैंने बड़ा वाला लिया था। एंड सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये है इसके साथ रिमोट आता है, तो आप इसको ये अगर आप देखोगे ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है, तो आप इससे ऑफ कर सकते हो, इसको आप ऑफ कर सकते हो, आप इसको ऑन कर सकते हो। यू कैन चेंज द लाइट एज पर योर प्रेफरेंस, इसमें सारी लाइट्स दे रखी है, रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज येलो पिंक डार्क पिंक। एंड देन इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें अलग अलग मोड भी दे रखे हैं, यहाँ पे आप ब्राइटनेस ज़्यादा कम कर सकते हो, और इसमें अगर आप ये करोगे फेड तो ये ऐसे फेड होगी, धीरे धीरे फेड होगी और उसके बाद चेंज होगी। एंड अगर आप फ्लैश करोगे देन इट विल फ्लैश गो एंड देन नेक्स्ट कलर,
ये अपने आप फ्लैश ऐसे होगी rather than going it slowly, right? तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा. नाइट लैम्प की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हो. सो दैट्स द अनदर थिंग विच आई गॉट इज अगेन कुशन कवर. ये इसका जो साइज है दिस इज 16x16 inch, बट टू वेरी फ्रैंक मुझे ये काफ़ी अच्छे नहीं लगे. रीज़न बींग इसकी जो पीछे की मटेरियल है, अगर मैं इसको वॉशिंग मशीन में धोती हूँ तो ये बहुत जल्दी फट जाएगा. एंड इसकी जो चेन क्वालिटी भी है वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी एज इन कंपैरिजन ऑफ दोज टू कुशन कवर्स. सो डेफिनेटली आई एम गोना रिटर्न दिस. एंड इवन इसका ये वाला भी काफ़ी चीप टाइप क्वालिटी का लग रहा है, मुझे ये काफ़ी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. तो ये तो मैं वापस करने वाली हूँ. So these are the only things which I got for my home decor purpose. And please do let me know what you like the best. आप कुछ भी अच्छा लगता है तो आप नीचे दिए गए description box में click कर सकते हो. उसमें सारे links mentioned हैं. आप उसमें click करके जो भी आपको पसंद आता है आप उसको ले सकते हो. And that's it. Please do like, share and subscribe to this channel. Bye bye guys.